नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। पूर्व जिला अध्यक्ष मदन चौहान और उनके सेल्समैन और बेटे शिवम चौहान की सुरक्षा में लगे कांस्टेबल हरविंदर की हत्या का आरोपी और 1,00,000 का इनामी बदमाश आशु अपने साथी के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने इसके पास से कई तमंचे भी बरामद किए हैं। एसपी आकाश तोमर ने अनुशासनहीनता के आरोप में 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। दरअसल अंगद राम और प्रदीप पाल नाम के सिपाही शराब के ठेके से शराब मंगा रहे थे। ऑडियो वायरल होने पर मामले का एसपी ने संज्ञान लिया। पीलीभीत में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट पिटाई की गई है। आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपिटाई की। धारदार हथियारों से दबंगों ने महिला पर हमला भी कर दिया। परिजनों ने महिला को गोली मारने का आरोप भी लगाया है। महिला गंभीर रूप से घायल हुए। घटना में परिवार के कई अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुटी है। अम्बेडकर नगर जिले में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज जांच रिपोर्ट में 13 नए मामले सामने आए हैं। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 54 हो गई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,963 हो गई है। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40 पहुंच गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष बने हैं मिथिलेश त्रिपाठी। जिला संगठन में महामंत्री के पद पर थे मिथिलेश त्रिपाठी। हटाए गए जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा लड़ेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। पार्टी के नियमानुसार संगठन में पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अमरोहा जनपद के हसनपुर ब्लॉक में नामांकन कार्य के दौरान निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार भूपेंद्र सिंह के द्वारा टोकन पर आए ओ विपिन कुमार का पारा हाई हो गया, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा देखने को मिला। सी हसनपुर के समझाने के बाद किसी तरह मामले को शांत कराया गया। उसकी तस्वीर भी मोबाइल में कैद हुई है, जो कि अब तेजी के साथ वायरल हो रही है। अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने इस पूरे मामले से इनकार कर दिया है। प्रतापगढ़ में डीएम डॉक्टर नितिन बंसल, एसपी आकाश तोमर ने नामांकन स्थल का भ्रमण किया, सुरक्षा का जायजा लिया, चुनाव में लगे कर्मियों का ब्यौरा भी देखा है। डीएम और एसपी ने मतहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज से प्रतापगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन हो रहा है। कल तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ग्राम प्रधान, बीडीसी तथा जिला पंचायत सदस्य के दावेदार अपना नामांकन कर रहे हैं। दूसरे चरण 19 अप्रैल को प्रतापगढ़ में संपन्न होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर एक व्यक्ति को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और परिजनों के मुताबिक एक प्रत्याशी के समर्थकों ने दबंगई दिखाते हुए ग्रामीण युवक पर अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए वोट डालने का दबाव बनाया, जिसका विरोध करने पर उसके साथ बेरहमी से मारपिटाई की गई, जिसके बाद उसकी जान चली गई। अलीगढ़ के गांव बांसवाली में श्री राधा ईट उद्योग से उप जिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह ने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मौके पर तहसीलदार इगलास और नायब तहसीलदार इगलास प्रवेश कुमार को तत्काल कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि श्री राधा ईट उद्योग भट्टे पर नवादा बिहार के रहने वाले 60 मजदूर मजदूरी करते हैं, जो अपने अपने परिवार सहित ईंट भट्टे पर कार्य कर रहे हैं। वहीं मजदूरों ने नई दिल्ली के एक एनजीओ से शिकायत की थी कि भट्टा स्वामी द्वारा उन्हें बंधक बनाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से अवैध वसूली का एक वीडियो सामने आया है। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रति व्यक्ति 20 रुपए की उगाही की जा रही है। विधून गंगापुर कॉलोनी स्थित पीएससी के बाहर लोगों से वसूली की जा रही है। पीएससी गंगापुर के बाहर कुर्सी डालकर युवक बैठा हुआ है, वसूली कर रहा है। पीएससी में वैक्सीन लगवाने आए सैकड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे पैसे लिए गए हैं। सरकारी पीएससी में कोरोना वैक्सीन के नाम पर उगाही के मामले में अभी भी स्वास्थ्य विभाग अनजान बना बैठा है। सिंगरौली जिले के पुलिस अधिकारी शहर की सड़क पर उतरे और लोगों को सजग करने के साथ ही चेतावनी भी दी। चिंता की बात यह है कि समझान देने के बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए रात में पुलिस अधिकारी खुद शहर की सड़क पर उतर जाते हैं और लोगों को सजग करने के साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि पुलिस अधिकारी भी चिंतित दिख रहे हैं। और पुलिस अधिकारी जो भी चेतावनी दे रहे हैं उसका पालन आम लोगों को करना चाहिए, वरना कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और बलिया सदर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला ने यूपी के दबंग बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल तक लाए जाने पर उच्चतम न्यायालय और सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा है कि एक माफिया सरगना को पंजाब सरकार के चुंगल से निकालकर यूपी के जेल तक लाया गया है। कहा इस अपराधी को यूपी के जेल में अन्य कैदियों की तरह रखा जाए। बताया 53 मामलों में वांछित और 15 मामलों का ट्रायल चल रहा है, जिसे न्यायालय के माध्यम से दंडित किया जाएगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। वहीं पंजाब सरकार को निर्लज सरकार करार दिया है।
सत्ता दल के प्रत्याशी का आचार संहिता को ठेंगा दिखाने का एक वीडियो सामने आया है। बिना परमिशन 3 दर्जन से ज्यादा चारपहिया वाहनों के साथ चुनावी प्रचार किया गया। बीजेपी प्रत्याशी धर्मपाल सोमवंशी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। जिला पंचायत सीट पसवारा के मतदाताओं को रिझाने के लिए भीड़ और काफिले का प्रदर्शन किया गया। गांव पसवारा में बीजेपी प्रत्याशी ने नियम कानूनों को ताक पर रख दिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।